सो हेलो एवरीवन, ये है इंडियन बैंक के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट्स यहाँ पे कैसे रहे हैं और जितने भी नंबर्स होंगे वो करोड़्स में होंगे। तो यहाँ पे इस शेयर की जो टोटल इनकम जनरेट हुई है वो 11,758 करोड़ थी, जो बढ़कर यहाँ पे 14,758 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी टोटल इनकम यहाँ पर जो है इनक्रीज़ हुई है। एक्सपेंसिस को भी देख लेते हैं तो 8,193 करोड़ इस शेयर के एक्सपेंस थे, जो बढ़कर अब 10,624 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। यानी इस शेयर के एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़े हुए हैं। और नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं तो 1,213 करोड़ इस शेयर का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर अब 1,708 करोड़ इस शेयर का यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में हो गया है। यानी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे अगर हम अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं तो 9.74 रुपये शेयर का यहाँ पे ईयरली अर्निंग था, जो बढ़कर अब 13.72 रुपये हो गया है। तो ओवरऑल तो जो शेयर के रिज़ल्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आए हैं। और इस शेयर का जो प्राइस है अभी करंट प्राइस 330.5 रुपये चल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ तक का जो मैक्सिमम टारगेट रहने वाला है वो 350 रुपये के अराउंड यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को होल्ड करना चाहे तो अपने ओन रिस्क में भी होल्ड कर सकते हैं।